नागेश करज की ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज मैं आपके लिए कक्षा छठी के अंतर्गत विषय हिंदी में से पाठ क्रमांक तीसरा नादान दोस्त यह पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ, ठीक है? जी हाँ, सारे रिश्तों में सबसे प्यारा रिश्ता कौन सा होता है, बताइए आप सोच के। जी हाँ, बिल्कुल सही, मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, ये सारे रिश्ते हमारे होते, लेकिन इन सारे रिश्तों से अधिक प्रिय, अधिक नज़दीकी रिश्ता जो होता है वह होता है भाई बहन का। जैसे कि देखो, अभी अभी रक्षाबंधन होके गया है, रक्षाबंधन यह त्यौहार भी हम क्या करते हैं, भाई बहन का त्यौहार होता है, जिस दिन भाई बहन को राखी बांधती है। भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है कि भाई और बहन दोनों एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। अगर वह कोई कार्य भी करते हैं तो दोनों मिलजुल के करते हैं, दोनों की सहमति से वह कार्य किया जाता है। भाई बहन का रिश्ता कुछ अलग ही होता है। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, नादान दोस्त, इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद जी। लेखक प्रेमचंद जी जो हैं, उन्होंने अपने इस पाठ के द्वारा केशव और श्यामा, इन दो भाई बहनों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नादान दोस्त प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। कैसी कहानी है बच्चों? मार्मिक कहानी है नादान दोस्त। यह जो पाठ है, इस पाठ के द्वारा प्रेमचंद जी ने केशव और श्यामा, इन दो भाई बहनों के जीवन में जो घटनाएं घटित हो चुकी है, उनमें से एक घटना क्या की है, हमारे सामने प्रस्तुत की है। केशव और श्यामा भाई बहन थे। केशव और श्यामा कौन थे बच्चों? जी, भाई बहन थे। घर के छत के कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब देखिए, उनके घर की जो छत है, उस छत की कार्निस पर एक चिड़िया होती है, उस चिड़िया ने क्या किए थे, अंडे दिए थे। चिड़िया सबको पता है बच्चों? जी हाँ, अब में से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जिसने चिड़िया नहीं देखी होगी। हमारे आंगन में, हमारे अगर घर के आसपास कोई पेड़ पौधे हैं तो उन पर हमेशा चिड़िया आकर बैठती है और ची 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 करके वह क्या करती है, अपनी आवाज़ में, मधुर आवाज़ में हमें उसकी आवाज़ सुनते हैं हम लोग। तो यह जो घर के छत की जो कार्निस है, कार्निस यानी पता है आपको बच्चों, कार्निस अर्थात क्या है? कार्निस अर्थात छज्जा, यानी कि दीवार का निकला हुआ जो भाग होता है या दीवार का निकला हुआ जो हिस्सा होता है, उसे क्या कहा जाता है? कार्निस कहा जाता है। तो बच्चों, पेंसिल आपने ली है तो पेंसिल से वहां पर अधोरेखांकित कीजिए और उसके आगे लीजिए, लिख लीजिए कार्निस अर्थात छज्जा, यानी कि दीवार का निकला हुआ भाग या हिस्सा। तो घर की जो छत है, उस छत की जो कार्निस है, उस कार्निस पर एक चिड़िया क्या करती है, अंडे दे देती है। जैसे कि हम देखते हैं आमतौर पर कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बीच में चिड़िया अपना घोंसला बनाती है और उस घोंसले में वह क्या करती है, अपने अंडे देती है। परंतु यहाँ पर चिड़िया ने घोंसला कहाँ बनाया है कि छत की जो कार्निस है, यानी कि छत का या दीवार का जो निकला हुआ हिस्सा है जो बाहर की ओर आया है, उस पर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है और उस घोंसले में चिड़िया ने क्या किए हैं, अंडे दिए हैं। चिड़ा और चिड़िया को देखकर दोनों बच्चों को मजा आता था। अब देखिए, जब घोंसला बना है तो वहाँ चिड़ा भी आता था और चिड़िया भी आती थी। जब यहाँ दोनों बच्चे जो है, दोनों बच्चे यानी कि कौन, केशव और श्यामा, ये दोनों जो भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहन जब चिड़ा और चिड़िया को वहाँ आते देखते थे तो उन्हें बड़ा मजा आता था, उन्हें काफी अच्छा लगता था कि चिड़ा और चिड़िया को जब भी वह देखते थे। अंडों को देखकर उनके मन में तरह तरह के प्रश्न आते थे। अब देखिए, यह जो बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए यह सारी बातें नई हैं।
कि चिड़ा और चिड़िया वहाँ आते हैं, घोंसला बनाते हैं और उस घोंसले में वहाँ अंडे भी देते हैं। तो यहाँ जो बच्चे हैं, जब यह चिड़ा और चिड़िया को देखते तो इनको बड़ा मज़ा आता था, और जब इन्होंने उनके अंडों को देखा तो उन अंडों को देखने के बाद इनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं। जब आप लोग भी कोई नई चीज़ें देखते हो या कुछ नया देखते हो तो आपके मन में उस चीज़ को लेकर या उस बात को लेकर अनेक सवाल खड़े होते हैं, या अनेक सवाल आपके मन में आ जाते हैं कि यह क्या है, कैसे है, किस प्रकार से है, कहाँ से आया, किसने लाया। तो ऐसे ही उन अंडों को देखने के बाद जो केशव है और जो श्यामा है, इन दोनों के मन में क्या हो जाते हैं, तरह तरह के अनेक प्रश्न उनके मन में आ जाते हैं। वे दोनों अंडों के बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर कोई चीज़ हम देखते हैं और उसके बारे में हमें अगर पूरी जानकारी मालूम नहीं होती है, या पूरी जानकारी जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, उस चीज़ के पीछे लगे रहते हैं कि उसके बारे में हम पूरी मालूम कर ले या पूरी जानकारी प्राप्त कर ले। ठीक वैसा ही यहाँ पर केशव तथा श्यामा का हो चुका था कि अंडों को जब से उन्होंने देखा था तो तरह तरह के प्रश्न उनके मन में आकर खड़े हुए थे, और उन प्रश्नों के उत्तर उन्हें प्राप्त करने थे, और उन उत्तरों को प्राप्त करने के लिए वह बार बार क्या करने लगे थे, उन अंडों के बारे में ही सोचते रहते थे। मतलब कुछ काम भी किया तो उनके जहन में क्या बात आती थी या उनके मन में क्या बात आती थी कि वह अंडे किस कैसे है, उनका रंग क्या है, वह कितने दिन वहाँ पर रहेंगे, उस अंडे में से चूजे कब बाहर निकलेंगे। तो वह जो अंडे हैं उन अंडों को लेकर ही वह क्या करते थे, सोचते रहते थे। अपना नाश्ता करने की भी सुधुने नहीं रहती थी। देखिए, उन अंडों को लेकर वह इतना सोचते थे कि आगे चलकर ऐसा होता है कि उन अंडों को लेकर वह इतना सोचने लगते हैं कि उन्हें नाश्ता करना है, यह बात भी उनके दिमाग में नहीं रहती, या इस बात का भी ख्याल उन्हें नहीं रहता कि उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया है। मतलब उनका पूरा ध्यान कहाँ लगा हुआ था, चिड़ा और चिड़िया ने जो घोंसला बनाया है और उसके अंदर जो अंडे हैं उन अंडों की, और इन दोनों का यानी कि केशव और श्यामा, इन दोनों का पूरा ध्यान लगा रहता था। वे अक्सर सोचते अंडे कितने होंगे। अब देखिए, छत के कार्निस पर अंडे दिए हैं तो इन्होंने ऊपर जाकर देखा है क्या? नहीं, नीचे से ही वह देख रहे हैं, पर इनके मन में क्या सवाल है कि अंडे कितने होंगे। अभी उन्हें कितने अंडे हैं यह पता है क्या? नहीं, इसलिए उनके मन में क्या सवाल आ रहा है कि अक्सर वह इस बारे में सोचते थे कि इन्होंने अंडे तो दिए हैं चिड़िया ने, परंतु वह अंडे कितने होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, नहीं पता, परंतु ये उसके बारे में सोच रहे कि अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे। अभी उन अंडों को इन्होंने देखा नहीं तो इनके मन में क्या सवाल है कि वह जो अंडे हैं वह कौन से रंग के हैं, उसका रंग क्या होगा, वह क्या खाते होंगे। अब देखिए, उनके खाने के बारे में भी उन्हें इतनी चिंता है कि वह क्या खाते होंगे। आगे चलकर उनके मन में यहाँ सवाल आते हैं कि बच्चे कब निकलेंगे। अभी अंडा है तो अंडे में से बच्चे तो बाहर निकलेंगे, परंतु वह कब निकलेंगे यह समय पता है क्या? नहीं, अंडे में से बच्चे कब बाहर निकलेंगे यह पता नहीं है। तो यह भी सवाल उनके मन में है कि बच्चे कब निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। अब देखिए, उन अंडों को लेकर इनके मन में कितने सवालात पैदा हो रहे, कितने सवाल इनके सामने निर्माण हो रहे कि वह अंडे कैसे हैं, कितने हैं, उनके रंग कितने हैं, वह क्या खाते होंगे, बच्चे कब निकलेंगे। और आगे चलकर उनके मन में यह भी सवाल आते हैं कि बच्चे जब अंडों में से बाहर निकलेंगे तो उनके पर कैसे होंगे, पर यानी कि पंख। पंछियों को पंख होते हैं ना, जिन पंखों के आधार पर या जिन पंखों के सहारे वह आकाश में ऊंची उड़ान भरते हैं, तो वह पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। ऐसे अनेक सवाल उनके मन में निर्माण हो जाते हैं। बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते थे। यह जो अनेक सवाल उनके मन में निर्माण हुए हैं, या इन अनेक सवालों को वह अपने मन में लेकर आगे बढ़ रहे हैं या सोच रहे हैं बार बार उन सवालों के बारे में, तो वह उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं कि वह कैसे है, क्या है। इन सारी बातों के बारे में जानने की जो जिज्ञासा है, वह जिज्ञासा उनके मन में निर्माण है, और इसी कारण वह क्या करना चाहते हैं कि इन सारे सवालों के उत्तर ढूंढना चाहते हैं या उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन
उनके पिताजी को पढ़ने लिखने तथा माँ को घर के कामकाजों के कारण प्रश्नों के उत्तर देने का समय ही नहीं है। देखिए, इनके जो माता पिता हैं, यह दोनों भी अपने काम में व्यस्त हैं और अपने काम में व्यस्त होने के कारण इन बच्चों के मन में जो भी सवालात निर्माण हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देना इनके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनके पास समय नहीं है। पिताजी जो है उनके पास समय इसलिए नहीं है क्योंकि पढ़ने लिखने से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती, उनके कामों से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती, तो वह बच्चों के सवाल देने के लिए कब ये होंगे? नहीं, तो बच्चों के सवाल देने के लिए उनके पास भी समय नहीं है पिताजी के पास, क्योंकि पढ़ने लिखने के कामों के कारण वह भी काफ़ी व्यस्त हैं। और जो उनकी माता जी हैं, जो माँ है उनकी, वह हमेशा अपने घर के कामों में व्यस्त रहती है। घर के कामकाजों के कारण बच्चों के मन में जो भी प्रश्न निर्माण हुए हैं, अगर वह बच्चों ने पूछा भी है तो उनके उत्तर देने के लिए उनके पास समय नहीं है। देखिए, आमतौर पर अगर आपके मन में भी कोई सवाल निर्माण होता है या किसी बात को लेकर कोई शंका आपके मन में आ जाती है तो सबसे पहले आप किसके पास जाते हैं बच्चों? अपने माता पिता के पास जाते हो और उनसे उस प्रश्न को उनके सामने जाहिर करते हो और उनसे उत्तर की आशा भी करते हो। आपके माता पिता आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं ना? अगर वह काम में बिजी नहीं है, यानी कि काम में वह व्यस्त नहीं है, उनके पास खाली समय है, तो वह आपके उत्तर दे देंगे। लेकिन वह काम में मशगूल है, वह काम में व्यस्त है, तो वह आपके उत्तर दे पाएंगे प्रश्नों के? नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वह अपने अपने कामों में व्यस्त है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ऐसे होता है कि केशव और श्यामा अपने मन में जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को अपने माता पिता के सामने जब रखते हैं और उत्तर की अपेक्षा उनसे करते हैं तो उस समय उनके माता पिता के पास उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए समय नहीं है। और क्यों समय नहीं है? क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वह पिताजी उनको पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं है तथा उनकी जो माताजी हैं वह अपने घर के जो कामकाज है उसमें व्यस्त है। इसी कारण क्या हो गया कि बच्चों के मन में जो भी प्रश्न निर्माण हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने का समय उनके माताजी के पास भी नहीं है और उनके पिताजी के पास भी नहीं है। अब देखिए, बच्चों के मन में तरह तरह के प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर तो उन्हें प्राप्त ही नहीं हुए थे। अब देखिए, केशव और श्यामा जो है इनकी जो जिज्ञासा है वह जिज्ञासा काफी बढ़ती बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती बढ़ती जा रही है? क्योंकि उनको उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं। अगर उत्तर मिल जाते प्रश्नों के तो वहां उनका समाधान हो जाता था, काफी जानकारी वह प्राप्त कर चुके होते अगर प्रश्नों के उत्तर मिलते तो। लेकिन उन्हें प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिले, इसीलिए आगे क्या, आगे कैसे, ऐसे अनेक प्रश्न उनके मन में आते जाते हैं। और इसीलिए केशव तथा श्यामा यह दोनों जो भाई बहन हैं इनकी जो जिज्ञासा है, किसके बारे में जिज्ञासा है बच्चों उनकी? जी हाँ, चिड़ा और चिड़िया का जो घोंसला है उसके अंदर जो अंडे हैं उन अंडों को लेकर इनके मन में जो जिज्ञासा है वह जिज्ञासा क्या होती है, काफी बढ़ती बढ़ती ही जा रही थी। आपस में दोनों सवाल जवाब करते रहते थे। अब देखिए, जब ये दोनों यानी कि केशव तथा श्यामा अपने माता पिता से उनके मन में जो प्रश्न है उनके उत्तरों की अपेक्षा करते हैं तो वहां पर उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं, तो यह दोनों भाई बहन क्या करते हैं, आपस में ही सवाल जवाब करने लगते हैं। यानी कि अगर श्यामा को कोई प्रश्न आता है मन में तो वह क्या करती है, केशव से पूछ लेती है, और केशव के मन में अगर कोई सवाल खड़े हो जाते हैं तो वह क्या करता है, श्यामा से पूछ लेता है। तो यह जो दोनों भाई बहन है केशव तथा श्यामा, यह दोनों क्या करने लगते हैं अपने आप से, यानी कि उन दोनों के बीच में ही वह क्या करने लगते हैं, सवाल जवाब करने लगते हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढना या ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। 3-4 दिन के बाद बच्चों ने अनुमान लगाया कि अब अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे। अब देखिए, अगर हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं। अनुमान करना यानी कि अंदाजा लगा लेना। तो यह जो बच्चे भी हैं जो कि बार 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 उन अंडों के बारे में ही सोच रहे हैं, उनके बारे में उनके मन में काफी जिज्ञासा निर्माण हुई है, तो यह उस जिज्ञासा समाप्ति के लिए यह दोनों भाई बहन क्या करते हैं, अपने आप में आपस में बातचीत करते हैं, अपने आपस में चर्चा करते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं।
ऐसे ही 3-4 दिन जब बीत जाते हैं तो उस वक्त बच्चों ने यह अनुमान लगाया, यानी कि केशव और श्यामा यह दोनों भाई बहन हैं, इन दोनों ने यह अंदाजा लगा लिया कि अब क्या हुआ होगा, कि यह जो चिड़िया के अंडे थे उसमें से क्या हुए होंगे, बच्चे निकल आए होंगे, क्या हुआ होगा, अंडे जो है वह अंडे फूटे होंगे और उसमें से बच्चे बाहर निकल आए होंगे। दोनों को बच्चों की भूख प्यास की जो चिंता है वह चिंता होने लगी। अब देखिए, सिर्फ उस अंडों में से बच्चे बाहर कब निकलेंगे या उन बच्चों को देखना, इतनी ही उनकी जिज्ञासा है क्या? नहीं, उनकी जिज्ञासा और आगे बढ़ती है कि अगर अंडों में से बच्चे बाहर निकलेंगे तो उन्हें भूख प्यास भी लगेंगी। आप भी अगर दिन भर कहीं बाहर होते हो या खेल कर आते हो तो आपको भी भूख प्यास लगती है ना, आते ही आप लोग थोड़ा बैठते हो, पानी पीते हो, ठीक है, तो वहाँ भी हम जैसे बर्ताव करते हैं या हमारी जैसी आदतें होती है उनके अनुसार वह बच्चे, यानी कि केशव और श्यामा भी यह सोचते हैं कि अंडों में से अगर बच्चे बाहर निकलेंगे तो उन्हें भी क्या होगी, जी हाँ, भूख और प्यास लगेगी। तो इन यह जो अंडे हैं, उस अंडों में से बाहर निकलने वाले जो बच्चे हैं उनकी जो भूख प्यास है इसकी चिंता किसे होने लगती है, केशव तथा श्यामा को होने लगती है। दोनों ने उनकी भूख प्यास मिटाने का फैसला लिया। अब देखिए, सिर्फ इन्हें चिंता होती है या सिर्फ यह बातें सोचकर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। आगे चलकर इन दोनों ने, केशव तथा श्यामा, इन दोनों भाई बहनों ने यह फैसला लिया कि यह जो अंडों में से बच्चे बाहर निकलने वाले हैं तो उनकी जो भूख और प्यास है वह प्यास भी क्या करनी चाहिए, इन्हें मिटानी चाहिए, ऐसा वह सोचते, क्योंकि अगर अंडे में से चूजे बाहर निकलेंगे या ठीक है, या अंडे में से जो बच्चे बाहर निकलने वाले हैं वो तो बड़े नहीं हैं या उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वह बाहर जाके अपना खाना ढूंढे या उड़ सके, तो इसी कारणवश केशव और श्यामा यह दोनों ऐसा सोचते हैं कि जो अंडे हैं उनमें से जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो उनकी जो भूख और प्यास है वह मिटाने का फैसला क्या करते हैं, ये दोनों ले लेते हैं। अब देखिए, जब इन्होंने फैसला कर लिया है कि इन चूजों के, यानी कि जो अंडों में से बच्चे बाहर निकलेंगे, इनकी भूख और प्यास ये दोनों मिटाने वाले हैं, तो इसके लिए वहां क्या क्या करते हैं, जरा सोचो, अगर उनकी जगह आप लोग होते तो क्या करते। बच्चों थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर केशव और श्यामा की जगह आप और आपकी बहन है तो उन बच्चों की भूख और प्यास मिटाने के लिए जो अंडों में से बाहर निकले आप क्या क्या प्रयास करते, सोचिए जरा। जी हाँ, ठीक उसी प्रकार यह जो श्यामा और केशव है वह भी क्या करते हैं कि जब उन्होंने फैसला लिया है तो वह अपने फैसले पे कायम है कि उन्हें क्या करना है, जो अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं उनकी भूख और प्यास मिटानी है। इसीलिए श्यामा क्या करती है, चुपके से मटके से कुछ चावल निकाल के लाती है। श्यामा क्या करती है, चुपके से उनके घर में जो मटका है उसमें जिसमें चावल रखे हुए हैं उस मटके में से कुछ चावल निकाल कर लाती है। केशव जो होता है वह क्या करता है, केशव तेल की जो प्याली है साफ करके उसमें पानी भर कर लाता है। देखिए, दोनों ने काम बांट के लिए है, श्यामा ने क्या किया है, चुपके से मटके में से चावल निकाल कर लाई है। क्यों लाई है, क्योंकि वह बच्चे चावल खा ले। और केशव जो है उसने क्या किया है कि जो तेल की प्याली है उसे साफ किया है, किसे साफ किया है, तेल की जो प्याली है उस प्याली को उसने साफ किया है और साफ करके उसमें क्या भरा है, पानी भरा है। यानी कि चावल खाने के बाद जब उन बच्चों को प्यास लगेगी तो वह बच्चे क्या करेंगे, उस प्याली में से पानी पी लेंगे। देखिए, और आगे चलकर यह बच्चे क्या करते हैं, कूड़ा फेंकने वाली टोकरी से घोंसले पर छाया करने का प्रबंध किया। अब देखिए, चिड़ा और चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए हैं, छत की कार्निस पर, छज्जे पर, यानी कि जो दीवार का निकला हुआ भाग है या हिस्सा है उस पे दिया है। तो उन्होंने जो घोंसला बनाया है वह ऊपर की ओर है और ऊपर से सूरज की तेज किरणें जब आएगी तो उन्हें धूप लगेगी, तो इन बच्चों को धूप से बचाने का भी प्रबंध यानी कि तैयारी करना तो वहाँ भी इन बच्चों ने किया है। जैसे कि जो कूड़ा, घर का जो कूड़ा कचरा होता है वह हम क्या करते हैं, किसी टोकरी में या किसी बाल्टी में हम इकट्ठा करते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, जो कूड़ा है
यानी कि घर घर से जो हम फेंकने वाली चीज़ें होती हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आती है, जैसे कि सब्ज़ी अगर हम लेते हैं उसे काटते हैं तो उसकी कटी हुई जो बाकी की सब्ज़ी है जो हम फेंकने वाले होते हैं वो वाले, जैसे कि हम अगर मेथी वगैरह लेते हैं तो उसको जो अनचाही जो चीज़ें होती है जो अनचाहे हिस्सा होता है कि जिसको हम इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, घर में रद्दी पेपर वगैरह होते हैं जो खराब हुआ होता है, तो ये सारा कूड़ा कचरा हम इकट्ठा करके क्या करते हैं, कूड़ेदान में फेंकते हैं। या कूड़ेदान में फेंकने से पहले हम उसे क्या करते हैं, हमारे घर में एक आधी टोकरी हो या बाल्टी हो उसमें हम इकट्ठा करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, केशव और श्यामा ने, कि यह जो कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है उस टोकरी को लेकर उस टोकरी की सहायता से जो घोंसला बनाया है चिड़ा और चिड़िया ने, उस घोंसले पर छाया करने का प्रबंध किया, यानी कि जो धूप आने वाली है वह धूप घोंसले पर ना पड़े और अगर टोकरी उस घोंसले के ऊपर रखी जाए तो उस धूप से क्या हो सके, उस घोंसले को वह बचा सके, यानी कि धूप से वह क्या कर सके, उस बच्चे को बचा सके। इसलिए यह लोग क्या करते हैं कि कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है उस टोकरी से वह घोंसले पर छाया करते हैं और उससे धूप ना लगे, ऐसी व्यवस्था यह क्या करते हैं केशव तथा श्यामा करते हैं। माँ के सो जाने पर केशव और श्यामा चुपके से कमरे के बाहर आ गए। अब देखिए, अगर माँ जगी है और उस वक्त यह लोग ऐसा कार्य करेंगे तो माँ क्या करेगी, जी हाँ, माँ डांटेगी कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, या और कुछ कहकर माँ डांट सकती है, उन्हें ऐसा करने से रोक भी सकती है। इसीलिए केशव और श्यामा यह दोनों क्या करते हैं कि जब माँ सो जाती है दोपहर के समय पर, जब माँ सो जाती है तो उस वक्त यह जो केशव है, केशव और श्यामा दोनों भाई बहन क्या हो जाते हैं, चुपके से यानी कि किसी बिना आवाज किए वह क्या करते हैं, कमरे से बाहर निकल आते हैं। केशव नहाने की चौकी पर स्टूल रखकर उस पर चढ़ गया। अब देखिए, कार निश तो ऊपर है, वहां पर हाथ नहीं पहुंच सकता, इसीलिए केशव क्या करता है, नहाने की जो चौकी पर स्टूल रखा जाता है उस स्टूल को वह क्या करता है, लेकर आता है और उस पर चढ़ जाता है। श्यामा ने स्टूल को पकड़ लिया। जब यह स्टूल पर चढ़ गया है वह गिरे ना, इसलिए क्या हो जाता है, श्यामा क्या करती है, स्टूल को अच्छे से पकड़ लेती है। कार्निस पर हाथ रखते ही दोनों चिड़िया उड़ गई। अब देखो, जब जैसे ही यह केशव है वह जैसे ही कार्निस पर हाथ रखता है तो दोनों चिड़िया क्या हो जाती है, उड़ जाती है, चिड़ा और चिड़िया दोनों उड़ जाते हैं। जैसे कि आप भी अगर देखते हो कभी आपके आंगन में चिड़िया आकर दाना चुगने लगती है और आप उसके नजदीक जाने की, उसके करीब जाने की कोशिश करते हो तो भर से उड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ होता है, जैसे ही केशव कार्निस पर हाथ रख देता है तो दोनों चिड़िया क्या हो जाती है, वहां से उड़ जाती है। तब केशव ने फटे पुराने कपड़ों की गद्दी बनाकर अंडे उसके ऊपर रख दिए। अब देखिए इनको कितनी चिंता है। तभी इसने क्या किया, इसने यानी कि किसने, केशव ने क्या किया कि जो कार्निस है उस कार्निस पर जो घोंसला है वहां पर उसने क्या किया, जो पुराने फटे कपड़े होते हैं उन कपड़ों की उसने क्या की, गद्दी बनाई और वह गद्दी बनाकर उसने क्या किया, उस गद्दी के ऊपर उन अंडों को रख दिया ताकि उन अंडों को कोई नुकसान ना पहुंच पाए, वह अंडे सुरक्षित रहे, इस भावना से उसने क्या किया, फटे पुराने कपड़ों को ले लिया और उस फटे पुराने कपड़ों को लेकर उसने क्या किया, एक गद्दी बनाई और जैसे ही दोनों चिड़िया उड़ गए तो उसने उस गद्दी को वहां पर रख दिया और उसके ऊपर उसने क्या कर दिए, अंडे रख दिए। देखिए यह केशव और श्यामा, इन दोनों को उन अंडों की कितनी चिंता है। चावल के दाने और पानी की जो टोकरी है वह भी टोकरी उन्होंने क्या कर दी, वहां पर रख दी कि जैसे ही अंडों में से बच्चे बाहर निकलेंगे उन्हें भूख लगेगी तो वह क्या करेंगे, चावल खाएंगे और पानी पिएंगे। आगे देखिए, टोकरी को लकड़ी से टिकाकर अंडों पर छाया कर दी। जैसे ही टोकरी रखेंगे, अगर टोकरी खिसक गई नीचे के और तो फिर वापस दिक्कत हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने यानी कि किसने, केशव ने पहले तो क्या कर लिया, फटे पुराने कपड़ों की एक गद्दी बनाई और उस गद्दी को उसने कार्निस पर रख दिया और उसके ऊपर उसने क्या किया,
अंडोंग को रख दिया। जब अंडोंग को गद्दी पर रख दिया तो उसके बाद उसने क्या किया, चावल के दाने और पानी की जो कटोरी है उसको भी वही नजदीक रख दिया। और जो टोकरी है, जब टोकरी रखी जा रही थी तो उस वक्त उसने क्या किया कि टोकरी को लकड़ी से टिकाकर, यानी कि टोकरी को लकड़ी का आधार दिया। और उसके बाद उसने क्या किया कि उसको इस तरीके से रख दिया कि वह जो अंडे उसने रखे हैं उस अंडों पर उस टोकरी की छाया आ जाए, ताकि उस पर जरा सी भी धूप कहीं से भी ना आए। यानी कि केशव ने क्या किया, टोकरी को ले लिया और लकड़ी से टिकाकर उसने क्या किया, अंडों के ऊपर छाया कर दी, ताकि धूप में वह अंडे जरा से भी ना आ पाए। सारे प्रबंध करके केशव नीचे उतर आया। यह जो सारी व्यवस्था है, वह सारी व्यवस्था क्या की, केशव ने कर ली। यानी कि उसके हिसाब से जब उसे ऐसा लगा, या उसके अनुमान से उसे ऐसा लगा कि अब अंडे काफ़ी सुरक्षित हैं, ना उन्हें कोई तकलीफ होगी, ना धूप लगेगी, जब उसे ऐसा लगता है या उसी प्रकार की व्यवस्था या प्रबंध उसने जैसे ही कर लिया, तो वह क्या करता है, नीचे उतर आता है स्टूल से। जैसे कि हमने पहले देखा ना कि वह जो नहाने की चौकी है, उसका जो स्टूल है, उस पर चढ़कर वह क्या हो जाता है, ऊपर हाथ रखता है। तो वह क्या हो जाता है, वापस यह सारा प्रबंध करने के बाद केशव नीचे उतर आया। श्यामा भी ऊपर चढ़कर देखना चाहती थी, परंतु गिरने के डर से केशव ने डांट कर चढ़ने नहीं दिया। अब देखिए, जैसे कि भाई ने सारा काम कर दिया, परंतु जो श्यामा है उसके मन में भी काफी उत्सुकता है, उसके मन में भी काफी जिज्ञासा है कि भाई ने यह कैसे किया है, उसे भी देखना था। तो इसीलिए वह भी चाहती थी, या उसके मन में भी यह इच्छा थी कि ऊपर चढ़कर वह भी देखे कि अंडों को किस प्रकार से गद्दी पर रखा गया है, या टोकरी से छाया किस प्रकार से की है, सच में अंडे महफूज है कि नहीं। यह सारे बातें श्यामा जो है वह भी क्या करना चाहती थी, ऊपर चढ़कर देखना चाहती थी। परंतु गिरने के डर से, यानी कि अगर वह स्टूल पर चढ़ेगी और गिर जाएगी तो क्या होगा, इस डर से जो केशव है, केशव ने डांट कर क्या किया, श्यामा को स्टूल पर चढ़कर ऊपर की ओर देखने नहीं दिया। दोनों घर के भीतर चुपचाप आकर लेट गए। दोनों यानी कि कौन बच्चों, जी हाँ, केशव और श्यामा। केशव और श्यामा यह जो दोनों भाई बहन हैं, वह क्या करते हैं, यह सारा कार्य करने के बाद चुपके से दबे पांव क्या हो जाते हैं, घर में आकर लेट जाते हैं। गर्मी के दिन थे, देखो कौन से दिन थे, गर्मी के दिन थे, यानी कि गर्मी का मौसम चल रहा था, लू चल रही थी। अब देखिए, गर्मी के जो दिन थे वह तो काफ़ी भयानक होते हैं, काफ़ी गर्मी महसूस होती है, उसी वक्त लू भी चल रही थी। श्यामा और केशव सो गए, गर्मी के दिन थे, लू चल रही थी, इसके वजह से श्यामा और केशव यह जो दोनों भाई बहन हैं वह भी क्या कर चुके थे, सो गए थे। 4 बजे श्यामा की नींद खुली। अब देखिए, अगर दोपहर को हम सोते हैं तो आमतौर पर 4, 4:30 या 5 बजे के बीच हमारी नींद खुल जाती है, ठीक उसी प्रकार यह जो श्यामा है, इस श्यामा की भी क्या हो जाती है, शाम के 4 बजे नींद खुल जाती है। वह बाहर आई, जैसे ही उसकी नींद खुल जाती है तो वह क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। श्यामा कार्निस के पास आई, देखा कि अंडे टूटे पड़े हैं। देखिए, यह बच्चे बार 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 उन अंडों के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, कि वहाँ अंडे कैसे होंगे, या उन अंडों को लेकर काफ़ी सारे सवाल उनके मन में होते हैं। और उन अंडों को महफूज रखने के लिए, या उन अंडों को सुरक्षित रखने के लिए वह क्या करते हैं, काफ़ी सारा प्रबंध करते हैं कि गद्दी बनाते हैं, गद्दी पर अंडों को रख देते हैं, उनको धूप ना लगे इसलिए टोकरी लकड़ी टिका कर रख देते हैं, काफ़ी सारा प्रबंध क्या करते हैं, केशव तथा श्यामा कर देते हैं। तो उसी के अनुसार जैसे ही श्यामा जो है 4 बजे उसकी नींद खुलती है, तो वह जब बाहर आती है तो श्यामा क्या करती है, वापस पुनः कार्निस के पास आ जाती है और देखती है कि वहां पर क्या हो चुका है, अंडे टूट चुके हैं, अंडे क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तुरंत श्यामा ने केशव को बताया कि टूटे अंडे नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब इनको तो पता ही नहीं था कि जब भी अंडों में से बच्चे बाहर निकलेंगे तो वो उड़ नहीं पाएंगे,
क्योंकि उनमें उतनी ताकत नहीं होती है कि वह अपने पंख फैलाकर या अपने पर से उड़ पाएंगे। परंतु जब अंडे टूटे हुए नीचे गिर रहे हैं, यह जब श्यामा ने देखा तो वह तुरंत क्या करती है, अपने भाई के पास जाती है दौड़ती दौड़ती हुई और केशव को यह बताती है कि क्या हो चुका है, अंडे टूट गए हैं। और अंडे टूटने के बाद वह क्या हो चुके हैं, नीचे गिर पड़े हैं। और आगे चलकर जो श्यामा है वह केशव को यह बताती है कि बच्चे क्या हो चुके हैं, उड़ गए हैं। असली बात तो उन्हें पता ही नहीं थी कि क्या हो चुका है, लेकिन अंडे टूट चुके हैं इसका मतलब क्या हो गया, अंडों में से बच्चे बाहर आए और वह उड़ गए, ऐसे श्यामा समझती है। और उसके समझ के अनुसार वह क्या करती है, केशव को यानी कि अपने भाई को यह बात बताती है। तो बच्चों आज हम आज की तासिका में यही रुकते हैं। आशा करती हूँ आज मैंने जो पढ़ाया है आपको वह समझ में आया होगा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।